अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में यूज पढ़ेंगे हैज और हैव का। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैज किन सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है। तो हैज मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, जिसमें जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा और सिंगल नाउन आ जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मकान है। अब ये देखिए, इसमें जो है मेरे पास है, लिहाजा यहां पर क्या है कि ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ हैज आना है। लिहाजा यहां पर क्या होगा, अगर तो लिखते हैं वो, ठीक है, एक मकान रखता है या उस के पास एक मकान है। तो यहां पर अगर उर्दू में आ गया या वो एक मकान रखता है, तो ये दोनों का एक ही मतलब है, सेम होगी इंग्लिश। ही हैज अ हाउस, ठीक है, ही हैज अ हाउस। इसी तरह जो है अगर इसी फिक्रे को हम इंटरोगेटिव करते हैं तो हैज ही अ हाउस, क्या वो एक मकान रखता है, क्या उसके पास एक मकान है। इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाता हूं तो ही हैज नॉट अ हाउस, उसके पास एक मकान नहीं है, वो एक मकान नहीं रखता है। इसमें बच्चे मैंने आगे बताया था यूज में जो है वो वर्ब नहीं इस्तेमाल, अगर ये इस्तेमाल है तो इसमें वर्ब नहीं है, ये देखें वर्ब कहीं नहीं इस्तेमाल हो। इसी तरह अगर मैं हैव है तो पहले हैव किन किन के साथ यूज होगा बच्चे, हैव जो है आप इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और इसी तरह प्लूरल नाउन के साथ आप इस्तेमाल करेंगे हैव। अब देखिए मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गाय है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई हैव कौ, ठीक है, इसमें भी देखें वर्ब नहीं है। इसी को अगर नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है तो हैव को स्टार्ट में लिख देंगे, अगर इंटरोगेटिव बनाना है हैव आई अ कौ और ये साइन जरूर लगाना है। इसी को अगर नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट अ कौ, मैं एक गाय नहीं रखता हूं या मेरे पास एक गाय नहीं है। बच्चे इसमें याद रखना है कि ये देखें मैं इसमें क्या कर रहा हूं, हैज का इस्तेमाल कर रहा हूं, हैव का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, तो ये याद रखें कि इसमें वर्ब नहीं है, इसलिए ये जो है क्या है, ये यूज है हैज और हैव का। तो ये बच्चे मेरा जो है ये लेक्चर था, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ जो है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है बच्चे, ठीक है, इसमें वर्ब नहीं है, तो ये जो है आप इस्तेमाल करेंगे इस तरह, ठीक है, हैज और हैव का। अगर आपको समझ लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मैं मजीद इंग्लिश ग्रामर के हवाले से जो लेक्चर होंगे वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू।